Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Main Fatima aapko apne Noshahi kitchen mein karti hu welcome. To aaj mere kitchen mein ban raha hai dekhi dal gosht. Ye dal gosht jo hai hum 40 bandon ke liye banayenge. To iske liye mujhe jo ingredients chahiye, sabse pehle mere paas ye mutton hai. ये 4 किलो के करीब मटन है, बड़ी बोटी करवा लीजिए। ये अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है। इसी तरह मसालों में मेरे पास है ये येलो फूड कलर आधा चम्मच, सिट्रिक एसिड हाफ टी स्पून, हल्दी मेरे पास है ढाई चम्मच, लाल मिर्ची का पाउडर ढाई चम्मच, धनिया है मेरे पास धनिया पाउडर 4 चम्मच, काली मिर्ची है मेरे पास 1 चम्मच कुटा हुआ और 1 चम्मच पिसा हुआ। इसी तरह मेरे पास 1 चम्मच साबुत जीरा है, 8 से 9 लाल मिर्ची है राउंड वाली, 2 सिनेमन स्टिक है, 2-3 कड़ी पत्ता, इसी के साथ काली इलायची, लौंग, ये मेरे पास है हरी इलायची, जायफल, जयवत्री और बादियान का फूल, इसका मैंने पाउडर बना लिया है। खड़े मसालों में दालचीनी का टुकड़ा, काली इलायची, जीरा और हरी इलायची, ये हम गोश्त पर डाल के इसको बॉईल करेंगे। ये 1 किलो मेरे पास कुकिंग ऑयल है, ये गार्निशिंग के लिए मैंने रखा है हरा धनिया, हरी मिर्ची और जिंजर काट के, 3 डली मेरे पास प्याज है, 3 डली मेरे पास टमाटर है और 4 किलो ही मेरे पास चने की दाल है, 4 किलो मटर और 4 किलो चने की दाल, टोटल 8 किलो। 8 टेबल स्पून मेरे पास दही के, ये गरम मसाला पाउडर है, रेगुलर गरम मसाला है, इसके 3 चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। ऑयल और मिर्ची आप अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हैं। मेरे पास ये जो रेड चिली पाउडर है ये बहुत ज़्यादा हॉट है, इसीलिए मैं इसको 2 चम्मच ही यूज़ करूँगी, अगर मुझे ज़रूरत हुई तो फिर मैं हरी मिर्ची इसमें डाल दूँ। ये मेरी चने की दाल है, इसको मैंने घंटा भर पहले भिगो लिया, अब हम इसको बॉयल करने के लिए रखेंगे। इसमें 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच नमक का डालेंगे और इसको बॉईल करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मटर मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया, अब हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे और इसको 2 ग्लास पानी के डाल के मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की बरकत के साथ हमारा गोश्त जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक गल चुका है, ये देखें। बस इसको इतना ही गलाएँगे कि भुनने के दौरान जो है वो गोश्त टूटे नहीं और गल भी चुका, ये देखिए। दाल मेरी बॉईल हो चुकी है, ये दाना इसका इतना गल चुका है कि ये देखिए। बस इसका पानी हम ड्रेन नहीं करेंगे, इसी पानी के साथ हम इसको मटन में शामिल करेंगे। तो अब आपको दिखाते हैं आगे, अब हम बॉईल का मटन डालेंगे। अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और ये हमारे खड़े मसाले हो जाएंगे। 5 मिनट तक हम मटन को अच्छी तरह से भूनेंगे, इसमें कोई बेकार बाकी ना रहे। तो 5 मिनट तक मैंने भून लिया, इसमें टमाटर डालेंगे और काफ़ी सारे मसाले जिसमें काली मिर्ची, सूखा धनिया, लाल मिर्ची, हल्दी, सिट्रिक एसिड और थोड़ा फूड कलर, ये दही है कि इसमें इसका फूड कलर जाएगा। Thank you.
मिक्सर में दही डालूंगी। दही डालने के साथ ही थोड़ा पानी का छींटा लगाएंगे। नमक मैंने इसमें नहीं डाला। मैंने इसमें गोश्त को पांच मिनट और भूनूंगी उसके बाद हम इसकी दाल चावल में करेंगे मैंने गोश्त को अच्छी तरह से भून लिया गोल चौक है अब इसमें से जो मैं थोड़ा सा ऑयल जो है वो निकालूंगी गार्निशिंग के लिए। इस पर अपनी दाल डालेंगे और इसको 15 मिनट के लिए दम की आंच पर पकाएंगे। एक किलो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया था और मुझे ज़्यादा और डालने की ज़रूरत नहीं महसूस हुई कि मैंने नहीं डाला बस। अब इसके बाद इसमें मैं दाल डालूंगी और इसको दम दूँगी। दाल जो हमने बॉइल की थी इसको इसी में हल्का हल्का सा मैश करेंगे और बस इतना ही इसको मैश करेंगे करके इसको मटन में शामिल करेंगे और इसको आप दम पे माने दिन की बरकत के साथ अपनी दाल इस पर डालेंगे। तो दाल आप देख सकते हैं मैंने दाल के अंदर जो मटन की यखनी बची थी वो भी डाल दी। वो करीबन एक जग निकला था वो डाल दिया। 5 मिनट इसको तेज़ आंच पर पकाने के बाद 15-20 मिनट के लिए इसको दम दूंगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल। पानी के बर्तन के साथ आप देख सकते हैं कि दाल जो है वो हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसके ऊपर ऑयल भी आ गया। अब मैं इसमें नमक, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें और वो जो हरी इलायची का पाउडर बना के रखा था वो डाल। काली मिर्ची का एक चम्मच भर के डालेंगे इसमें। थोड़ा सा हिलाऊंगी। अभी इसमें जो जिंजर गार्लिक के रखा था मैंने वो डालूंगी। थोड़ा सा धनिया। बाकी हम जो गार्निशिंग में डालेंगे और हमारा देखी दाल गोश्त माशाल्लाह से रेडी है और बड़ा ही मज़ेदार बना। खाने दिन की बरकत के साथ दाल हमारी डिश आउट हो चुकी। तो खाइए, इंजॉय कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा और क्या कमी लगी। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगली रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।